हम युद्ध जीत चुके हैं छोटी माँ, हमें बहुत खुशी हो रही है। जय मेवाड़। जय मेवाड़। पर प्रताप, यदि तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम मर जाएंगे। दोस्तों, मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत हसीना है जिन्हें हम आजकल महाराणा प्रताप की माँ के नाम से जानते हैं। आशिका, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। जब से पहले जो आपको आपके रोल के बारे में पता चला तो क्या रिएक्शन था आपका? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक्चुअली नेटवर्क में फ़ोन करके ये कहा था कि आप इसके लिए लुक टेस्ट बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मैं ही कर रही हूँ। आई वॉज सो अट्रैक्टेड टू दिस शो, आई वॉज सो अट्रैक्टेड टू दिस कैरेक्टर, आई हैड टू डू दिस। आपकी सबसे इंटरेस्टिंग, आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, क्या आपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताइए, कितना टाइम लगता है रोज़ तैयार होने में, कैसा फील आता है, बोर भी हो जाती है आप रोज़ आईने के सामने इतनी देर बैठे रहते हैं? बोरियत के लेवल तक अभी मैं शायद पहुंची नहीं, क्योंकि नया नया है, अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी समय लगता है तैयार होने में, क्योंकि एक एक बारीकी और डिटेल के बारे में ध्यान रखा जाता है। यू कांट बी मिसिंग समथिंग, कंटिन्यूटी प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। सो यस, समय काफ़ी लगता है। And I'm enjoying it. आपने बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं और इसमें भी आपका एक नेगेटिव कैरेक्टर है, तो क्या डिफरेंस है बाकी कैरेक्टर में और आपके इस कैरेक्टर? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किरदार ही कम्प्लीटली अलग है। लाइक इफ यू कंपेयर इट विद कलावती, शी वॉज अ साइको डॉन, यू नो, वैको। बट धीर बाई इज वेरी कैलकुलेटिव। वो जानती है कि उनका लक्ष्य क्या है, वो जानती है उनको वहाँ कैसे पहुँचना है। उस ज़माने में ये नहीं होता था कि औरत आई और दरबार में कुछ भी बोल के चली गई, गला काट दिया जाता था शायद उनको। आशिका, कभी ऐसा हुआ शूटिंग के दौरान करते करते आपको लगा ओ माय गॉड महाराणा प्रताप के साथ ऐसा भी हुआ था, ओ माय गॉड? मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक जो मैं ही कर रही हूँ वही काफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ व्यक्तिगत ज़िंदगी में ये हुआ था देन इट्स टू बैड। क्या हुआ था, हमसे कोई एक बात जैसे यही कि डोटिंग मदर होने के बावजूद, लाइक मैं उनकी रियल माँ नहीं हूँ, मेरी कुक से जन्म नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन तब भी मैं जो प्यार जताती हूँ उनको, जिस प्यार के वो हकदार हैं, लेकिन वो सच्चा नहीं है। आशिका, कोई एक चीज़ बताइए जो आपको सबसे टफ लगी ये रोल करने में? पागल होके भी पागलपन तक ना जाना। और लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक डायलॉग हो जाए आप? अभी तक कोई तकिया कलाम बना नहीं है धीर बाई का, पर वो यही कहती है कि मेवाड़ के इतिहास ने, मेवाड़ के इतिहास में चारण क्या लिखेंगे, जब मेवाड़ का वर्तमान, मेवाड़ का भविष्य उसे कुछ ना दे पाए तो वो मेवाड़ को क्यों कुछ दे। थैंक यू। तो ये थी आशिका, एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, और हमने इनसे बात करी महाराणा प्रताप के बारे में। कैमरा पर्सन अशोक के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट।